गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। भूगोल की कक्षा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 भौतिक भूगोल, जो कि भूगोल का ही एक उपविषय है। और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम चैप्टर महासागरों तथा महाद्वीपों का विवरण पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, आगे कुछ टॉपिक आज कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो विभिन्न बड़ी प्लेटों और छोटी प्लेटों में विभक्त है। तो उन प्लेटों के माध्यम से हमें ये भी ज्ञात हुआ कि जितनी प्लेटें हैं वो प्राचीन काल के इतिहास, जो पृथ्वी का इतिहास रहा है तब से लेकर के आज तक चलायमान है, वो गतिमान है, वो तैर रही है। ठीक है, वैगनर महोदय ने अपना एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है, केवल महाद्वीप ही चलायमान है। तो ऐसा नहीं है, जितने भी सागर हैं या महासागर हैं जो कि हमारी प्लेटों पर स्थित हैं, तो प्लेटें जो उनके नीचे स्थित हैं सारी की सारी प्लेटें चलायमान हैं वर्तमान समय में। ठीक है, जब प्लेटें चलती हैं एक दूसरे से चलायमान होती हैं, एक दूसरे की अपोजिट या सामने की दिशा को जाती हैं, तो विभिन्न प्रकार की सीमाएँ बनती हैं। जब प्लेटें जाती हैं टकराती हैं तो उन्हीं सीमाओं के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि प्लेटें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी महासागरीय प्लेट, दूसरी होती है हमारी महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, दो प्रकार की प्लेटें होती हैं। जिस पर महाद्वीप स्थित है तो महाद्वीप प्लेट कहलाएगी, यानी जिस प्लेट पर महाद्वीप का क्षेत्र आता है वो हमारी महाद्वीप प्लेट कहलाएगी, और जिस पर हमारा महासागर या जलीय भाग फैला हुआ है वो प्लेट हमारी महासागरीय प्लेट कहलाएगी। तो अभी मैंने बताया कि जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं, या विभिन्न दिशाओं में संचालित होती हैं, तैरती हैं, तो विभिन्न प्रकार की प्लेट सीमाएँ बनती हैं प्लेटों के संचरण से। तो उनमें हम सबसे पहली बात करेंगे, सबसे पहली सीमा हमारी होती है अपसारी सीमा। एक बात ध्यान रखना है आपको, ये सीमाएं किसी भी प्लेट के माध्यम से बन सकती हैं, चाहे कोई सी प्लेट हो सकती है। ठीक है, अपसारी सीमा, ये अपसारी सीमा। तो अपसारी सीमा का मतलब होता है यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो और नई प्रॉपर्टी का निर्माण करती हैं, तो उस सीमा को जहाँ नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, हम अपसारी सीमा कहते हैं। और किस प्रकार से होती है एक बार देख लीजिए। मान लीजिए हमारी ये दो प्लेटें हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, दोनों प्लेटें ये मिली हुई है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है हमारी। ठीक है, ये प्लेट ये मान लीजिए, ये प्लेट बी मान लीजिए। तो दोनों प्लेटें हैं, जब एक दूसरे से दूर हटेंगे, दूर हटने का मतलब होगा इसकी दिशा इस प्रकार होगी और इसकी दिशा इस प्रकार होगी। जब प्लेट एक दूसरे से दूर हटेंगी तो इनकी स्थिति, जब प्लेट दूर हट जाएंगी तो इनकी स्थिति किस प्रकार से हो जाएगी, या इनके बीच में कुछ गैपिंग आ जाएगी। तो गैपिंग आएगी तो सिंपल सी बात है, जब गैपिंग आएगी तो नीचे से विभिन्न प्रकार के जो हमारे तरल पदार्थ हैं लावे के रूप में, मैग्मा के रूप में, वो निकल के आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, नई पर्पटी का निर्माण करेंगे। तो इस सीमा में कहते हैं हम अपसारी सीमा कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जिस स्थान से प्लेटें दूर हटती हैं, यानी वह स्थान जहाँ से प्लेटें दूसरे से दूर हटती हैं, संचरण करती हैं, उस फैलती हैं, तो उस स्थान को क्या कहते हैं, प्रसारी स्थान उसको हम कहते हैं। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो उसे हम प्रसारी स्थान कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक सीधा साधा उदाहरण भी है, आपने देखा होगा मध्य अटलांटिक कटक की हम बात करते हैं, मध्य अटलांटिक कटक या विभिन्न प्रकार के जो कटक हैं ये अपसारी सीमा का एक उदाहरण होते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के कटक बन गए हैं। तो कटक कैसे बने, कटक क्या है, एक नई प्रॉपर्टी का रूप है। हुआ क्या है, यहाँ से क्या है, जो प्लेटें हैं एक हमारी उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और दूसरी हमारी यूरोपीय और हमारी अफ्रीकन प्लेट, जो हमारी दूर एक दूसरे से दूर हट रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर से वो नए पदार्थ निकल करके नई प्रॉपर्टी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली सीमा की हम बात करेंगे। अगली सीमा हमारी आती है नंबर दो पर, अभिसरण सीमा, अभिसरण सीमा। तो देखिए, अभिसरण सीमा क्या होती है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के
बीच में धंसती हैं, एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के सामने गति करती हैं, और सामने गति करते हुए वो एक दूसरे के नीचे घनत्व के आधार पर नीचे धस जाती हैं। तो जिस स्थान पर धंसती हैं और किसी एक दूसरी प्लेट का वो क्या करती हैं, नष्ट करती हैं, रगड़ खाती हैं, नष्ट करती हैं। तो जहाँ पर प्लेट रगड़ खाती है तो जो सीमा बनती है उसे क्या कहते हैं, हम अभिसरण सीमा, उस स्थान को अभिसरण सीमा हम कहते हैं, ठीक है। ये और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जहाँ ये सीमा एक दूसरे के अंतर धंसती हैं और भूपर एक प्लेट का नष्ट करती हैं, नष्ट होती है, क्षय होता है, तो उस स्थान को हम प्रविष्टन क्षेत्र भी कहते हैं, प्रविष्टन क्षेत्र भी कहते हैं। तो अभिसरण जो है वो विभिन्न प्रकार की प्लेटों के बीच हो सकता है। कैसे हो सकता है, पहले आप समझ लीजिए अभिसरण क्या होगा, अभिसरण सीमा किस प्रकार से होगी। मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं और ठीक है, ये प्लेटें दो मान लीजिए मिलाकर के दोनों प्लेट मान ली, जैसे मैंने मेरा उदाहरण दिया था, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये प्लेट वी है, ये प्लेट ए है। अब विभिन्न किसी विभिन्न प्रभाव के कारण, विभिन्न बल के कारण ये वाली जो सीमा, ये वाली प्लेट है, एक दूसरे के सामने गति दोनों करती हैं। जब एक दूसरे के सामने गति करती हैं, आमने सामने गति करती हैं, चलती हैं, तो जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो नीचे धस जाती है, और नीचे धसने के साथ साथ वो रगड़ खाती हुई नीचे धसती है। जब रगड़ खाती हुई धसती है तो दूसरी कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे प्लेट का नाश होता है, प्लेट का क्षण होता है। इस प्रकार से होगी। अगली कंडीशन किस प्रकार से हो सकती है, मान लीजिए प्लेट थी तो ये नीचे धस गई, ये वाली प्लेट इसके नीचे धसना फिर आरंभ हो गई इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा ये क्या हुआ, दोनों प्लेटों का नष्ट हो, नाश हुआ, क्षरण हुआ, तो इसी को क्या कहते हैं, अभिसरण सीमा। इस स्थान को क्या कहते हैं, अभिसरण सीमा कहते हैं, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, दो जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं और एक दूसरे के नीचे धसती हैं, धसते हुए एक प्लेट या दोनों प्लेटों को क्या करती हैं, प्रॉपर्टी का नाश करती हैं या नष्ट होती है प्रॉपर्टी, तो उस स्थान को हम अभिसरण सीमा कहते हैं। और जिस स्थान पर प्लेटें एक दूसरे के अंतर या एक दूसरे के नीचे धस जाती हैं, उस स्थान को, क्षेत्र को हम प्रविष्टन क्षेत्र कहते हैं। अब बात आती है अभिसरण जो है विभिन्न प्लेटों के मध्य हो सकता है, विभिन्न प्रकार से हो सकता है अभिसरण। देखिए अभिसरण हो सकता है दो महाद्वीप यानी महाद्वीप तथा महाद्वीप प्लेट के बीच में, महाद्वीप तथा महाद्वीप प्लेट के, महाद्वीप महाद्वीप प्लेट के बीच में पहला, दूसरा है महाद्वीप या महासागरीय प्लेट के बीच में, महासागरीय है महाद्वीप है या महासागरीय प्लेट के बीच में, मतलब अभिसरण जो हो सकता है, या दो महाद्वीप प्लेट टकराएंगी तब होगा, या एक महाद्वीप या महासागर प्लेट टकराएगी तब होगा, या जब दोनों महासागरीय प्लेट टकराएंगे महाद्वीप यानी महासागरीय, महासागरीय प्लेट यानी जब तीनों दोनों महासागरीय महासागरीय प्लेट टकराएंगी तब यह अभिसरण हमारा होगा, अभिसरण सीमा बनेगी, यानी अभिसरण की प्रक्रिया हमारी हो सकती है। अब हम अगली सीमा की बात करते हैं, नंबर तीन पे पढ़ेंगे अपसारी हुआ, अभिसरण हुआ, और नंबर तीन पढ़ेंगे रूपांतरण सीमा, रूपांतरण सीमा, ठीक है। तो रूपांतर सीमा, जब प्लेटें एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के इस प्रकार गति, दो प्लेटें इस प्रकार गति करती हैं, तो कि इस प्रकार गति करती हैं कि ना तो प्लेट का नाश हो और ना ही परपट्टी का निर्माण हो, उस कंडीशन में क्या होता है, तो जब दो प्लेटें इस प्रकार की गति करें, ना प्लेट का नाश हो ना ही नई परपट्टी का निर्माण हो, तो इस प्रकार की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं, रूपांतरण सीमा कहते हैं, ठीक है। यानी दो प्लेटें हैं एक दूसरे के क्षैतिज सरकती हैं। अब क्षैतिज क्या सरकेंगी समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट इसके नीचे है, और क्षैतिज क्या सरकेंगे आप समझते हैं, यानी ये प्लेट दब चलने लगी, ये प्लेट दब चलने लगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना तो किसी प्रॉपर्टी का निर्माण हो रहा है और ना ही यहाँ पर वो प्रॉपर्टी का नष्ट हो रही है, तो ठीक है। इस प्रकार की जो सीमा बनती है उसे क्या कहते हैं, रूपांतरण सीमा कहते हैं। ऐसी कंडीशन में ना प्रॉपर्टी बनती है और ना ही प्रॉपर्टी का नाश होता है, ठीक है। और एक स्थान जो के बीच में गैप होता है, जो ये स्थान माना जाता है, जिस तल से, जिस माध्यम से दोनों प्लेटें जुड़ी होती हैं, उसको हम रूपांतरण तल भी कहते हैं, रूपांतरण तल या रूपांतरण भ्रंश कहते हैं, क्योंकि भ्रंश एक भ्रंशनुमा आकृति है, क्योंकि इसमें दरार है एक तरह से, तो इसको रूपांतरण तल भी कहते हैं या रूपांतरण भ्रंश भी कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं
प्लेटों की प्रभावी दर, प्लेट प्रभावी दर। तो दर का मतलब उस अनुपोष मान से है जिस मान से कोई प्लेट प्रवाह करती है, गति करती है। और इसको हम आप जानते हैं प्लेटों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास पूरा चुंबकत्व या रेडियोमेट्रिक जो हमारे पास सिस्टम है उसके माध्यम से हम प्लेटों की प्रकृति, प्लेटों के प्रवाह, प्लेटों गति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आधुनिक साइंस ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो आप जानते हैं सामान्यतः जो उत्क्रमणीय चुंबकीय या क्षेत्र की जो पट्टियाँ हैं वो एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं। तो इसमें प्लेटों की हम बात करने वाले हैं। तो ये प्लेटें विभिन्न कटकों के विभिन्न कट ये हमारे जो समांतर उत्क्रमणीय महासागरीय कटक हैं ये प्लेटों के प्रवाह संबंधी दरों की जानकारी देते हैं। और सभी प्लेटों की जो प्रवाह की दर है वो सामान्यतः भिन्न है, एक समान नहीं होती है। जैसे कि हम बात करेंगे प्लेट के बारे में, एक भाग के बारे में जो कि एक प्लेट का हिस्सा है, आर्कटिक प्लेट की हम बात कर रहे हैं। आर्कटिक प्लेट की जो प्रवाह दर है वो सबसे कम है और इसका मान जो माना गया है आर्कटिक प्लेट का, आर्कटिक प्लेट का जो प्रवाह दर है मतलब चलने की दर है, प्रवाह दर आर्कटिक प्लेट की दर कितनी मानी गई है 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में वो इतना ही सरक रही है। ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है विभिन्न तत्वों के आधार पर। इसी प्रकार जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार है उसकी प्रवाह दर जो वर्ष में मानी गई है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक उसकी प्रवाह दर हमने प्रवाह दर वैज्ञानिकों ने आंकी है, मानी है। अब हम बात करते हैं प्लेटों के प्रभाव को प्रभावित करने वाले या प्लेटों को प्रभावित करने वाले जो बल हैं, यानी प्लेटों को चलायमान करने वाले बलों के बारे में। तो सिंपल सी बात है, इनके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के जो बल हैं वो प्लेटों को या महाद्वीपों को चलायमान करते हैं। इसी के साथ साथ आप एक तथ्य को और जानेंगे, जो प्लेटें हमारी हैं वो एक वृत्ताकार रूप में चलायमान हैं। वो समझेंगे इस प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी के भूगर्भ में ताप बढ़ता जाता है। तो प्लेटें क्या होती है, मान लीजिए ये प्लेट है, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। प्रैक्टिकली समझ लीजिए, ये हमारी महाद्वीपीय प्लेट मान लीजिए, ये हमारी महासागरीय प्लेट मान लीजिए। तो वृत्ताकार रूप में किस प्रकार से हमारी प्लेट चलायमान है, मान लीजिए इस प्लेट ने गति दी तो ये प्लेट क्या है, इसके नीचे धंसना प्रारंभ हो जाएगी। और इसके नीचे धंसना प्रारंभ होगी तो होगा क्या, क्योंकि महासागरीय महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होगा संभवतः, तो वो प्लेट क्या होगी, हल्के घनत्व वाले प्लेट के अंदर धस जाएगी। धसने के बाद यहाँ पर यहाँ तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होने के बाद क्या होगा आप जानते हैं, तापमान अधिक होने से हमारा जो भाग है दोबारा से पिघल जाएगा, तरल द्रव्य बन जाएगा और फिर ये विभिन्न प्रकार से कहीं ना कहीं जहाँ या अन्य कई भागों में ज्वाला की क्रिया के माध्यम से ये पदार्थ निकलता रहेगा। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, यानी प्लेट के नीचे आती है, धसती है, पिघलती है और फिर ज्वालामुखी या विभिन्न अवशिष्ट पदार्थ के माध्यम से बाहर नष्ट होने के बाद निकलती रहती है। तो ये हमारा प्रक्रम चलता रहता है। तो ये हमारा जो बात करते हैं इनके बलों के बारे में आप पहले ही समझ चुके हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ समझना था, ठीक है। तो अब ये चैप्टर लगभग पूरा हुआ है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे आप, मैं लिखूँगा जल्दी से, आप वो करने के बाद स्क्रीन शॉट जरूर भेजिएगा। भी देखो आपकी क्लास से कोई भी स्क्रीन शॉट मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे बच्चे साइंस साइड में ही पढ़ रहे होंगे। तो प्रश्न लिखेंगे, वेरी शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। प्लेट किसे कहते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन क्या है, दूसरा प्रश्न हुआ। प्रश्न नंबर 3 जल्दी जल्दी लिखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन क्या है, प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी क्या है, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं चैप्टर में है, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। प्लेट की अपसारी सीमा क्या है,
अपसारी सीमा क्या है? प्रश्न नंबर दो, प्लेट की अभिसरण सीमा क्या है? अभिसरण सीमा क्या है? प्लेट की रूपांतरण सीमा क्या है? रूपांतरण सीमा क्या है? अगला क्वेश्चन करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा एक तरह से, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में दिए गए प्रमाणों का वर्णन कीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में दिए प्रमाणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जल्दी से करने, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आज आपको नहीं दिए हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ है और अगले वीडियो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा, अध्ययन अपना करते रहिएगा।